अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां महिला की मांग में सिंदूर भरकर 8 साल तक शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, दुष्कर्म के बाद जब महिला गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसे दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। आरोपी इसके बाद भी नहीं रुका और महिला के न्यूड वीडियो भी वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसके साथ रेप करता रहा। महिला का कहना है कि आरोपी ने उसे मारने के लिए जहर भी खिलाया था, जिस पर वो हॉस्पिटल में भर्ती रही। महिला ने एसएसपी ग्वालियर अमित सांगी से मामले की शिकायत की है। ग्वालियर के कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। शादीशुदा महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारी को बताया कि 2002 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन पति से उसकी नहीं बनी, जिसके कारण 2014 में उसका तलाक हो गया। इसके बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल में बतौर नर्स जॉब करने लगी। उस दौरान उसकी मुलाकात लक्ष्य श्रीवास्तव से हुई। चूंकि लक्ष्य के पिता लीवर ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती थे, इसलिए उसका आना जाना लगा रहता था, जिसके चलते उनकी अच्छी जान पहचान हो गई। महिला का कहना है, इसके बाद लक्ष्य उसे मंदिर में ले गया, जहां 7 फेरे लेने के बाद उसने उसकी मांग भरकर शादी कर ली। किराए का कमरा लेकर 2 साल तक उसने शारीरिक संबंध बनाए। वहीं जब पीड़िता ने उसके घर चलने के लिए कहा तो वो बहाने करने लगा, जिस पर सामाजिक तौर पर उसने शादी करने का दबाव बनाया, जिसके कारण युवक ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। पीड़िता ने बताया कि उसकी तबीयत बिगड़ने पर गंभीर हालत में मकान मालिक ने जेएच अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की थी। पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। महिला ने बताया कि बाद में लक्ष्य ने उसे बहलाकर और अपनी गलती सुधारकर फिर से शादी करने का झांसा देकर मामला कोर्ट से वापस करवा लिया, जिसके बाद वो फिर से उसके साथ वही हरकतें करने लगा। इस मामले में एडिशनल एसपी मृगाक्षी डेका का कहना है कि महिला ने शिकायत कर बताया है कि शादी का झांसा देकर एक युवक उसके साथ 8 साल तक दुष्कर्म करता रहा। वहीं जब उसने इसका विरोध किया तो उसे जहर देकर जान से मारने की कोशिश भी की है। फिलहाल मामले की शिकायत पर जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। मैं झांसे में आ गई, ठीक है, तो मैंने उससे राजीनामा कोर्ट में कर लिया। कोर्ट में करने के बाद फिर लक्ष्य ने मुझे रखा, फिर मारा पीटा, ठीक है, मेरा शोषण करता रहा। इस पीरियड में मेरी प्रेगनेंसी भी आई, तो मुझे टेबलेटें लाकर उसने खिला दी। उन्होंने शादी करेंगे बोल के वो लड़की उसके साथ टाइम स्पेंड की है, तो अब शादी तो किया नहीं, तो उनका कहना है कि ये उन्होंने बलात्कार किया, तो हम इस पे जांच करेंगे।